राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। तो मैं नहा धोकर एकदम तैयार हो गई हूँ, क्योंकि आपको पता है लाइब्रेरी निकलना होता है। और मैंने कॉम्बो पहना है, उसके ऊपर मैंने डाली है सॉल, जो कि मेरी फेवरेट है। आप सबने कई सारे ब्लॉग्स में देखी होगी। तो आप सब पूछते रहते हो कि मैं कहाँ से हूँ, तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं तैयार तो हो गई थी, लेकिन मम्मी डांट रही थी कि मैं कुछ नहीं करके जाती। इस वजह से थोड़ा घर की सेटिंग कर रही थी, मतलब कि अपने बेड बेड को सही कर रही थी। जिस रूम में मैं सोती हूँ, ये मेरा बेड है, जिसमें मैं और मेरी सिस्टर, मतलब मेरे से छोटी बहन सोती है। तो वो सब तैयार किया और सीधा निकल गई लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरे को घर से पिकअप करने आती है। उसका भी घर मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, तो पहले वो मेरे घर आती है, फिर हम दोनों लाइब्रेरी के लिए निकल जाते हैं। अब हम हैं लाइब्रेरी वाले रास्ते पे, इसके सामने जस्ट हमारी लाइब्रेरी है, और ठंड भी बहुत बढ़ चुकी थी। तो सीधा अंदर जाकर आपको दिखाते हैं, तो ऊपर चलते हैं, क्योंकि हमारे सेकंड फ्लोर पर लाइब्रेरी है। जिसको नहीं पता, मैं फिर से बता रही हूँ। और आप सबको हिंदी के नोट्स चाहिए थे, वो भी मैं आगे बताऊंगी, आप वीडियो देख लो एक बार। तो हम लाइब्रेरी में आ गए थे, जिसमें आसपास भी कोई नहीं था, एक दो बच्चे बैठे थे, उसके अलावा कोई नहीं था। ये मेरी सीट है, मेरे सामने वाली सीट पर मेरी फ्रेंड बैठती है, जो कि मेरे साथ नहीं बैठती, इसलिए मैंने उसे कल खाना भी नहीं दिया था। आपने वीडियो में देखा होगा, और उसने ब्लॉग देखकर मेरे को बहुत सारी गालियाँ दी, व्हाट्सएप पर मैसेज किए कि तू इतनी धोखेबाज है, मतलब मैं तेरे लिए क्या क्या लाती हूँ और तूने मेरे को कुछ नहीं खिलाया। तो ये है हमारी सीट, जिसने मैंने लाइट ऑन की, और ये है मेरी दोस्त की सीट। और हम चलते हैं अब अपने बैग रखने, जिसमें हम करेंगे अपनी विद्या ग्रहण। तो थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, उसके बाद कुछ बातें करेंगे। तो चलो पहले अपना लेक्चर लेते हैं। ये है मेरी दोस्त कंजड़ कहीं की, मेरी सीट पर बैठ गई, हट नहीं रही थी। मतलब मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो उसे पता है, तो इसलिए मस्ती कर रही थी। जैसे तैसे उसे हटाया और बोला टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद कुछ करेंगे। जैसे ही मैं पढ़ने बैठ गई, उसका पीछे मन नहीं लगता, फिर आ गई पंचायत ठोकनी। पता नहीं क्या बता रही थी कि एक लड़की आई है, वो पूछ रही थी कि लाइब्रेरी में सीट खाली है कि नहीं, तो उसके बारे में बात कर रही थी। तो बस टॉक 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 टॉकिंग चल रही थी हमारी। फिर हमने नोटबुक्स वगैरह निकाली और फर्स्ट स्लॉट के आगे चढ़ बढ़े। तो फर्स्ट स्लॉट में मैंने क्या किया है, वो जानने से पहले आप मेरी वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो मैं फर्स्ट स्लॉट में पढ़ती हूँ सबसे पहले मैथ। आज मैं मैथ से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट ले रही हूँ, और मेरा प्रैक्टिस सेट चला है 17। मैं पता है, मैंने वैसे तो क्लास नहीं ली, प्रैक्टिस सेट ही लिया। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आपकी मैथ किससे इंप्रूवमेंट हो रही है, तो मेरी जो मैथ है ना, प्रैक्टिस सेट से इंप्रूवमेंट हो रही है। जैसे जो जो मेरे से कमेंट कर रहा है, मैं उस सबके लिए ये ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि वो पूछते रहते हैं दीदी आपकी है ना थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला है तो किससे मिला है। तो आप एक बार प्रैक्टिस सेट कर लेना, शायद आपसे आपको भी इंप्रूवमेंट हो जाए। तो ये सब मैंने किया। अब थोड़ी सी मस्ती करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी जो पीछे वाली सीट है ना, उस पर लोग कैसे बैठे हैं। देखो, ये एक भैया है जिन्होंने ऊपर से नीचे तक सॉल डाल रखी है, और अंदर जाकर पढ़ रहे हैं वो। ये था जब मैंने फर्स्ट लेक्चर खत्म किया था, और मेरी दोस्त का देख रही थी वो क्या पढ़ रही है। मेरे को चुल मची रहती है कि वो क्या करती रहती है, इसलिए मैं उसे देखती रहती हूँ, सच्ची बताऊँ। अब चलते हैं हम सेकंड स्लॉट पर, उससे पहले एक और बार देख लूँ मेरी दोस्त क्या कर रही है। मेरे को हंसी तो बहुत आती है, उसे बाद में ब्लॉग में पता चलता रहता है मैं उसके साथ क्या करती रहती हूँ, क्योंकि वो भी मेरा ब्लॉग देखती है। तो बाद में मेरे को डांटती है, चिल्लाती है कि तू ऐसा मत किया कर। अब चलते हैं हम सेकेंड स्लॉट पर, और सेकेंड स्लॉट में करेंगे हम क्या, सेकेंड स्लॉट में हम करने वाले रीजनिंग। तो इधर मैं रीजनिंग पढ़ रही थी, और मेरी फ्रेंड का एक क्वेश्चन था जो कि डाइस का था, वो मेरे पर सॉल्व कराने आई थी। तो उल्टा मैंने है ना उसे एक और क्वेश्चन दे दिया उसे सॉल्व कराने के लिए, तो वो भी उसी को सॉल्व करने लग रही थी, लेकिन उसे है ना आधा घंटा टाइम लग गया, लेकिन वो सॉल्व नहीं हुआ। अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन आपको भी दूं और आप सॉल्व करके दिखाना कि वो क्वेश्चन कैसा है, तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उसे क्या क्वेश्चन दिया था। अब देखना, वो उसने हाथ मुंह पैर नोटबुक सबका इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उस पर आंसर नहीं निकला। तो उसी बात की कह रही थी और एकदम धमकी देती है, अब मैं सॉल्व करके ही दिखाऊंगी, मतलब वार्न करती है मेरे को, लेकिन उस पर फाइनली वो आंसर नहीं निकला, सिर्फ उसका टाइम वेस्टिंग। लेकिन इस ना बैसा बैसी से ना आंसर सॉल्व होते हैं तो अच्छा भी लगता है, मतलब उसमें है ना थोड़ा माइंड की कैपेसिटी भी पता चल जाती है। अब अपना चश्मा निकालते हैं और लगाते हैं, क्योंकि मेरी आई साइड वीक है, मैं आपको बता दूं, और मेरा दूसरा चश्मा भी टेस्ट होने के लिए पड़ा है, देखते हैं कितना नंबर आता है। अब थर्ड स्लॉट में हम करते हैं कैपिटल और करेंसी। इसमें है ना मैं कैपिटल याद कर रही हूँ और करेंसी याद कर रही हूँ, इसमें से एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत इसे भी देख लेती हूँ, क्योंकि ये सबके लिए, जीडी यूपी पुलिस सबके लिए बेनिफिशियल है, तो मैं ये करती करती हूँ। अब क्या है, अब मैं फिर से अब थर्ड स्लॉट में, थर्ड या फोर्थ स्लॉट आई थिंक सो, तो जिसमें मैं कर रही हूँ हिंदी, हिंदी में मैं पढ़ रही हूँ आज समास। तो मैं समास पढ़ूंगी और उसके बाद रिवीजन करूंगी संज्ञा
और सर्वनाम दोनों का, मतलब मैं प्रीवियस भी रिवीजन करती चल रही हूँ और आगे का पढ़ती चल रही हूँ, तो दोनों मेरे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं पीछे का भी ना भूलूँ और आगे का भी याद रहे। और जो जो मेरे से चाहता है कि उसे हिंदी के नोट्स चाहिए, तो बताना मैं आपको कैसे हिंदी के नोट्स भेजूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसके हिसाब से आपको हिंदी के नोट्स भेज दूंगी। अब मेरी फिर चलती है कि मेरी दोस्त क्या कर रही है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, मेरे को चुल मची रहती है, वो मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही होती है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान, मतलब मॉक टेस्ट लगा रही है वो, और मेरे को इतनी गुस्सा आ रही है ना, इतनी बदतमीज़, ये भी नहीं देखती उसकी दोस्त कहाँ पढ़ रही है कहाँ नहीं। फिर मैं चलती हूँ कि चलो वो पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ लूँ। अब मेरा है ना समरी आता है, समरी में क्या है कि मैं ये देख रही हूँ कि मैंने क्या क्या हिंदी में पढ़ लिया और मेरा क्या क्या रह गया, ये लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे पता चल जाता है कि हम कहाँ पर हैं। तो ये तो मैं करती करती हूँ लास्ट में, तो मैं समरी में सब कुछ संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण समास ये सब कुछ मैं पढ़ चुकी हूँ। फिर से मैं कह रही हूँ मेरे को नहीं पता है, सच्ची बताऊँ कि मैं आपको कैसे भेजूँ नोट्स, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना। एक दो लोगों ने बोला है कि आप कहाँ से हो, और सबसे बड़ी बात थर्ड चीज़ आप बोलते हो ना कि मैं कहाँ से हूँ, मैं आप सबको बता दूँ मैं मथुरा से हूँ। आप कहाँ कहाँ से मेरे ब्लॉग देख रहे हो तो आप भी बता देना आप कहाँ से हो, आप मेरे से तो पूछ ले, तो आप तो बताओ आप कहाँ से हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। अब मेरी आती है पैकिंग की बारी, जिसमें मेरी फ़ोन फ्रेंड ने मेरे को फ़ोन चार्जिंग के लिए दिया था, तो मैंने उसका फ़ोन दिया क्योंकि वो लैपटॉप से पढ़ती है और फ़ोन उसका मेरी चार्जर से चार्ज रहता है, उसका चार्जर ख़राब हो गया तो वो मैं यहाँ से करके जाती हूँ क्योंकि घर पर चार्ज ना करना पड़े, इतनी चंट है ये। अब चलते हैं घर के लिए, पहले सूज बूज में उतार के बैठती हूँ, इसलिए अब मेरी सूज बूज पहनने की बारी होती है। मेरी दोस्त तो निकल गई है, अब वो मेरे को नीचे मिलेगी, अटेंडेंस लगा देगी वो भी, वही मेरी। तो चलो चलते हैं, अब पहन लेते हैं पहले सूज, तो चेयर पीछे की और सूज पहनना स्टार्ट करती है, और सारे बच्चे हमें देखते हैं कि लड़कियाँ सुबह से बस पढ़ती पढ़ती रहती हैं, क्योंकि लड़के ना बहुत लेट आते हैं, कोई एक कोई दो, हम 7 बजे आ जाते हैं लाइब्रेरी में, इसलिए मतलब उनका फोकस हम पे ही रहता है। अब ये है हमारी लाइब्रेरी जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई सॉल्ट डाल के, कोई रजाई, पता नहीं क्या क्या लगा के पढ़ रहे हैं। मेरे को पता है यूपी पुलिस के बाद है ना ये लाइब्रेरी खाली होने वाली है, ज़्यादातर ऐसे यूपी पुलिस के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और ये है हमारी लाइब्रेरी का बाहर का पोर्शन, यहाँ ऑफिस है और अटेंडेंस हम लगाते हैं, तो ये मेरी दोस्त खड़ी है जो कि मैं सामने दिखाऊंगी, अटेंडेंस लगाकर मेरा वेट कर रही है और दिमाग खराब कर रही है मेरा, घुन्ना आ रही है, मतलब अब ब्लॉग में तो नहीं बोलेगी तो पीछे ऐसे दिखाती रहती है। ये मैं सामने से उसी को दिखा रही हूँ कि मैं तेरा फेस दिखा रही हूँ, तू मेरी तरफ है ना आंखें दिखा रही है, तू है ना उसने आंखें नीचे कर ली, कह रही है कि नहीं अच्छी नहीं आऊंगी। अब अच्छा आप बताना, मैं यहाँ ऑटो में बैठी हूँ, ये पोर्शन है ना जो है यहाँ पे है ना वो मिलती है बिरयानी, तो आप दिखा बताना आपको किस किस को, आप मथुरा से तो आपको पता है कि यहाँ की है ना फेमस बिरयानी की, बहुत से लोग सुबह से आकर यहाँ खाते ही खाते हैं। अब क्या हम लाइब्रेरी में बात कर रहे थे, ऑटो में सॉरी, कि हम सुबह से क्या क्या पढ़ चुके हैं, मतलब एक बात तो है हमें लाइब्रेरी में जाकर है ना बैठने का एक्सपीरियंस बहुत हो गया, मतलब बहुत टाइम तक हम बैठे रहते हैं, मतलब पढ़ाई हो जाती है। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं प्लीज़ डू लाइक।